बट आई लव यू मोहित। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे एक्सेप्ट किया है। मैं जैसी भी हूँ, बुरी या भली, तुमने मुझे अपनाया है। तुमने हार नहीं मानी मोहित। पहले जाकर भी तुमसे दूर नहीं हो सकी और अब इतने पास आ गई और पास आने कुछ ही करता है। आई लव यू मोहित। I love you, Viksha. लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। तुम्हारे साथ होने का ख्याल भी मेरे लिए गलत है। आई एम श्योर कि तुम मुझे सिर्फ फ्रेंड समझती हो। लाइफ में पहली बार सीखा है कि चिल्लाने के अलावा भी कोई लैंग्वेज होती है। लव की लैंग्वेज। I love you more. लेकिन पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं। क्या पता उसके लिए मैं सिर्फ एक फ्रेंड हूं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। समझ में नहीं आता कि उसे ये कैसे बताऊं। आई विश तुम्हारे जाने के पहले मैं तुम्हें बता सकता कि हाउ मच आई लव यू। बस एक और दिन बाकी है और मोहित है कि समझता ही नहीं। उसे ये सच कैसे बताऊं। प्रोग्रेस सिस्टर डिकोस्टा, आई मस्ट से कि 360 डिग्री का चेंज आया है। उसके लिए आपको सिस्टर किरण के आइडिया के लिए थैंक्स करना पड़ेगा, जबकि उसी ने आपकी छोटी सी बिगड़ी हुई बेटी को यहाँ लाया है और उसके बाद शी हैज ट्रूली एंड कम्प्लीटली चेंज। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। अगर आपका आइडिया नहीं होता तो इट्स ऑल राइट, ये मेरा काम ही तो है। थैंक गॉड, मैं तो काफी टेंशन में आ गया कि अगर अब भी दीक्षा नहीं सुधरी तो यूरोप का कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ता, यहाँ तक कि हमारी हॉलीडे। इनफैक्ट इसीलिए मैं चाह रही थी कि हमारे जाने से पहले हमारी दीक्षा किसी नॉर्मल स्कूल में एनरोल हो जाए। हाँ तो सिस्टर, वो हम बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं और यहाँ पर पता नहीं वो कैसी अजीब सी कंपनी में कहीं भटक ना जाए। यू नो आई मीन 18 साल एक बहुत सेंसिटिव उम्र होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आई मीन अभी दीक्षा ने अपने एकेडमिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहाँ सिग्नेचर करना है?
तुम जा रही हो? चेक कर रहा था कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होती है या नहीं। होती है। इसका मतलब तुम्हें सिंपैथी नहीं है मुझसे, सचमुच प्यार है। आई लव यू टू। तुम जाओ, मैं समझता हूँ। Don't worry. I'm worried. मुझे नहीं जाना बोल। तुम मेरे साथ चलो, please चलो बोल। वैसे भी दीक्षा ने रिटर्न लिख के दिया है कि she wants to continue here, और वो म्यूजिक सीखना चाहती। दीक्षा अभी बच्ची है, वो अपना बुरा भला नहीं जानती, और वैसे भी आप उस पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी उसमें कुछ चेंज आया है। कल को अगर वो फिर किसी जिद पे अड़ गई तो पता नहीं वो क्या कर बैठी। इनफैक्ट आप उसे यहाँ वापस बुला लें, ठीक है? और उसे स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, राइट? लेकिन दीक्षा को म्यूजिक बहुत ही पसंद है, एंड शी इज वेरी गुड एट। कम ऑन सिस्टर, ये सब गाना बजाना सीखने में क्या रखा है? इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। उसे अभी अपने स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये आप मेरी बात मानिए, आप उसे यहां से रिलीज कर दीजिए, ओके? मोहित, चलो। मोहित मैं अकेले नहीं जाना चाहती, तो मेरे साथ चलो। मैं समझ गया, लेकिन भागना सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम है। लेकिन वो तुम्हारी पूरी लाइफ आगे खड़ी है। हमारा प्यार छोटा सा हिस्सा, इस छोटे से हिस्से के लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। तुम जाओ। लेकिन मोहित मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाना चाहती, तो मेरे साथ चलो। तुम हर बात में आर्ग्यू क्यों करना चाहती हो? रिलैक्स दीक्षा, तुम पढ़ाई पूरी करो और फ्यूचर पे फोकस करो। हार्ड में जाओ फ्यूचर, तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? थोड़ा तो सोच समझ के डिसीजन लो, चिल्लाने से सब कुछ हासिल नहीं होता, और वैसे भी चिल्लाने से यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे कानों को सुनाई नहीं देता ना। पहले इंसान नहीं हो मां जिसे मेरे चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। पहले भी कभी किसी को मेरे चिल्लाने की आवाज कभी सुनाई नहीं दी। उस लड़के के लिए यहाँ नाच गाना हो रहा है, म्यूजिक बजा जा रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, एक इंस्टीट्यूट चलाने के नाम पे ये सब कुछ अलाउ कर रहे हो? हाउ कुड यू? लुक सिस्टर, दिस इज नॉट गोना वर्क आउट। आई एम गोइंग टू टेक माय डॉटर फ्रॉम यू, अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी, लेकिन मैं दीक्षा को इस तरह से नहीं कर सकती, और उस वक्त जब वो अपने लाइफ का सही डिसीजन ले रही है, और अगर उसे म्यूजिक पसंद है तो। एक्सक्यूज मी सिस्टर डिकॉस्टा,
दीक्षा के लिए आज तक डिसीजंस मैंने लिए हैं और आगे भी मैं ही लूंगा। और हाँ, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, खास करके एक ऐसे लड़के के साथ जिसे ठीक से सुनाई भी ना देता हूं। ओह दीक्षा, ओह माय बेबी, हाउ आर यू बच्चा, आई मिस्ड यू अ लॉट। चलो बैग पैक करो, हमें निकलना है ना अभी। अपने साथ घर लेके जा रही हो माँ? नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हें हॉस्टल छोड़ के फिर जाएंगे, ठीक है, ताकि तुम आराम से पढ़ाई कर सको। अगर घर लेके जाते ना तो अभी साथ चल लेती, पर शायद मेरी लाइफ में ऐसा मैजिक कभी नहीं होने वाला। मैम थैंक यू सो मच मुझे यहाँ भेजने के लिए, मैंने यहाँ आके इतना कुछ सीखा है जितना शायद मैंने अपने 18 सालों में भी नहीं सीखा था। मॉम डैड, मैंने यहाँ आके सीखा है मेरे पास लाइफ में सब कुछ है, आंखें जो देख सकती हैं, कान है जो सुन सकते हैं, दिल है जो फील कर सकता है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, पेरेंट्स है जो शायद हर वक्त मेरे पास नहीं थे पर कंट्री के सबसे बेस्ट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। थैंक्स डैड, आई रियली अप्रिशिएट दैट। यहाँ इतना कुछ सीखा है कि और सीखने की इच्छा है, मैं सिर्फ स्कूल की नहीं लाइफ की स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं सीखना चाहती हूँ, इन्हें सिखाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ जैसे आप चाहते हैं वैसे ही। वेरी गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। सो सिस्टर डैड, एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। पढ़ाई पूरी करने की मेरी एक कंडीशन है, मैं हर हफ्ते एक दिन इस इंस्टीट्यूट में आना चाहती हूँ वॉलंटियर करने के लिए। मैं यहाँ म्यूजिक सीखना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम पागल हो गई हो, हमेशा के लिए यहाँ क्या करोगी? देखो स्कूल तक बात ठीक थी, यहाँ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। लगता है कान होते हुए भी आप लोगों ने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। ये मेरी कंडीशन है पढ़ाई पूरी करने के लिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये सब उसी लड़के ने किया होगा, है ना? सिस्टर ये क्या बेहुदा चीजें हो रही हैं यहाँ पे, बताइए। अभी बंद कीजिए जो कुछ भी हो रहा है दीक्षा और उस लड़के के बीच में। सिस्टर आई वोंट टॉलरेट दिस। सिस्टर डैड, वो जो लड़का है उसका नाम मोहित है और उसी ने मुझे सिखाया है कि चिल्लाने से हर चीज हासिल नहीं होती है। और इसीलिए मैं बहुत शांति और प्यार से आपसे बात कर रही हूँ। वैसे आपका बर्थडे कार्ड मिला था मुझे लास्ट मंथ, इसीलिए आपको याद होगा कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। एंड एज एन एडल्ट सिटीजन आई गॉट ऑल द राइट्स टू टेक माई डिसीजन, इसीलिए मैं आपसे शांति और प्यार से परमिशन मांग रही हूँ कि हफ्ते में एक दिन मुझे यहाँ वॉलंटियर करने दिया जाए। इसी में आपकी और मेरी खुशी है। ये मोहित, इसे सुनाई नहीं देता पर हैरानी की बात यह है
कि आज तक सबसे ज्यादा मेरी इसी ने सुनी, यही है वो जिसने आपकी बेटी को बदल के रख दिया। मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ डैड, चाहे आप परमिशन दें या ना दें। आज आपको नहीं समझ आएगा डैड, पर एक दिन आप जरूर समझेंगे कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है। I will not tolerate this sister. मैं स्कूल के अथॉरिटी से बात करूंगा, ऊपर तक जाऊंगा मैं। हमारी बच्ची को बिगाड़ कर रख दिया इन लोगों ने। अरे अच्छी खासी थी हमारी बच्ची, अब देखो देखो कैसी बातें कर रही है। चलो यहाँ से, मैंने बाद में देख लूंगा। चलो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं नहीं चलूंगी डैड। I'll volunteer. You can't do this. I can. आप ही की बेटी हूँ। अगर आप जिद कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि चिल्ला के नहीं। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी। Thank you.